अभी नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कुर्दे उपचुनाव में 57% से भी अधिक मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से। और अब समाचार विस्तार से। कुर्दी विधानसभा उपचुनाव में 57.9% मतदान हुआ है। कल पटना में यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने बताया कि मतदान से संपन्न हुआ। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए गए थे। इस बार हम लोगों का मतदान परसेंटेज 57.9 है। ये एक एस्टिमेट है। ये हम लोगों का कुल मिलकर के 447 कंट्रोल यूनिट, 446 बैलेट यूनिट और 474 वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। मात्र 2 कंट्रोल यूनिट और 5 वीवीपैट मार्कपोल के दौरान बदले गए और 1 वीवीपैट मार्कपोल के बाद बदले गए। मतलब कुल मिलकर हमारा मार्कपोल और पोलिंग का समय मिलकर के मात्र 8 मशीन हम लोग का बदल गए। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। जदयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े ने ललन सिंह के दोबारा निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में पार्टी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह का राजनीतिक जीवन राजद नेता के रूप में शुरू हुआ था। राज्य सरकार 60,000 से भी अधिक पुलिस विभाग में बहाली करने जा रही है। बहाली के लिए जल्द ही पदों का सृजन प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा भी 74,000 नए पदों के सृजन पर भी सरकार विचार कर रही है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने 2020 में बना सेवा का अधिकार का अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। कल पटना में जनता दरबार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने को लेकर शिकायतों को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
वर्तमान सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी संख्या में मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। सेवा के अधिकार अधिनियम संशोधन में चरित्र प्रमाण पत्र के विलंब होने या उसके खारिज होने की स्थिति में अपील की सुविधा मिलेगी। विश्व मृदा दिवस पर कल बामेती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी के संरक्षण के बारे में जानकारी दी, साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरता पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने कहा कि मिट्टी जांच योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। किसान ही है जो इंसान को जो है जिंदा रखने के लिए भोजन जो है भरपूर मात्रा में व्यवस्था तो वही करते हैं। अब उनकी सहूलियत के लिए हमारी विभाग जो है कई तरह की योजना चल, अब जैसे मिट्टी है तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, सही सही समय पे किसान कहते हैं कि मिट्टी की जांच कर लीजिए, कहीं मिट्टी आप जो मिट्टी में खेती कर रहे हैं उसमें उर्वरक की क्षमता है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो कितनी मात्रा में है, और उसके हिसाब से आप कौन सा फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन पूरे बिहार में होते रहता है, वो हमारे जो डीओ होते हैं वो जिले बाई जिले सबको करते हैं, और बड़े पैमाने पे अभी जो है पूरे जिला में जो है मिट्टी की जाँच होती है और जाँच करके किसानों को जो है हम लोग बताते हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आहूत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी जिनमें राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और अन्य राजकीय कार्य होंगे। उन्होंने सदस्यों से सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की। सकारात्मक सहयोग राजहित में आप लोगों को मिलना चाहिए, चूंकि विधानसभा के अंदर क्या कार्यक्रम हो रहे हैं जनता को बतलाने और दिखलाने और सुनाने का माध्यम आप लोग हैं, इसलिए आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन सकारात्मक राजहित में और संवेदना के साथ शांति सद्भावना भाईचारा आपके कलम से बिल्कुल बरकरार होती है और बरकरार होती रहे ताकि इस राज्य के बेहतरी तरक्की हो सके। मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के फर्दा पूर्वी टोला में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान कार्यक्रम के तहत घर घर डस्टबिन का वितरण किया गया। जमालपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर ने बताया कि प्रत्येक परिवार को 2-2 डस्टबिन का वितरण किया गया, जिसमें हरे रंग में गीला कचरा और ब्लू डिब्बे में सूखा कचरा रखने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वच्छ रखा जा सके। हमें उसे और आगे बढ़ चढ़कर काम करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने पंचायत को सुंदर बना पाएंगे। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। मेला 13 दिसंबर तक चलेगा। मेले में देश और विदेश के कई बड़े प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, साथ ही साहित्यिक चर्चा, गोष्ठी और शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बार पुस्तक मेले की थीम मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए है। मेले के संयोजक अमित झा ने बताया कि पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए किताबें प्रदर्शित की गई हैं। तीन वर्षों के अंतराल के बाद 2019 में ये आखिरी बार लगा था, उसके बाद कोविड महामारी के बाद ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है। कुल मिला के करीब 200 स्टॉल्स इसमें भागीदारी कर रहे हैं, करीब 75 प्रकाशक हैं। जहां तक किताबों की बात है, यहां पे जो सबसे ज्यादा बिकती हैं साहित्यिक किताबें, हिंदी साहित्य की किताबें हैं,
कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, ओशो, गायत्री परिवार, अहमदिया मुस्लिम जमात, ये सब की किताबें हैं। इसके अलावा जो हमारे पटना पुस्तक मेला की विशेषता है, जो हमारा जो सांस्कृतिक पक्ष है, और उसके तहत हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हर बार की तरह इस बार भी कर रहे हैं। बिहटा में एनडीआरएफ की ओर से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 7 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में एनडीआरएफ के 4 जोन भाग ले रहे हैं। डिप्यूटी कमांडेंट हरविंदर सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ के लोगों को स्वस्थ और उनकी कार्य कुशलता को तरोताजा रखने के लिए खेलों का आयोजन किया जा रहा है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ईमानदारी पूर्वक भाग लेंगे एवं इससे संबंधित सभी नियमों का पालन करेंगे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल आंध्र प्रदेश में तिरुमला पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना से युवाओं को बहुत लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी राजनीतिक दलों से दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही के लिए सहयोग मांगा जाएगा। सिंगापुर में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का कल किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के नए सत्र के लिए पुस्तकें मार्च महीने में उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों में खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। सीतामढ़ी के कृषि भवन में कर्मियों ने जिला सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी द्वारा कृषि कर्मचारियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया। पछुआ हवा के प्रवाह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुर्नी उपचुनाव में 57% से भी अधिक मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से।
और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। It's another six.